भगवान, खुद को टाइम टू टाइम पैम्पर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हेल्थ के लिए. मतलब वो कोई भी हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, खुद हम अपने आप को पैम्पर करते हैं ना तो हमें एक अलग सा सुकून मिलता है, एक अलग सी खुशी मिलती है, एक अलग सा ही सेटिस्फेक्शन मिलता है. थोड़ा सा हेयर केयर रूटीन करना है, स्किन बहुत ज्यादा डल एंड डिहाइड्रेट लग रही है तो उस पर कुछ काम करना है, अपने डार्क सर्कल पे काम करना है, नेल पेंट चेंज करनी है और कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे काम है जो करके मैं अपने आप को पैम्पर करने वाली हूँ. तो इस पैम्पर सेशन में आप लोग बने रहना एंड तक. वीडियो अच्छी लगे तो इन तक देखने के बाद लाइक जरूर कर देना. चलो स्टार्ट करते हैं. मुझे बहुत ज्यादा थका हुआ फील हो रहा था जिसके वजह से मैं कोकोनट ऑयल का यूज करके अपने फेस पे थोड़ा सा मसाज करने वाली हूँ. ये प्रोसेस से आप ना अपने फेस का मेकअप भी रिमूव कर सकते हो, क्योंकि चाहे तो वो बेबी ऑयल हो या फिर कोकोनट ऑयल, इनकी हेल्प से मेकअप और डर्ट पॉल्यूशन होता है वो बहुत ही ईजिली निकल जाता है. लेकिन मैंने अभी कोई मेकअप तो नहीं किया हुआ है, बस मुझे मन था थोड़ा सा अपने फेस पे मसाज करने का, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई भी थी और बहुत ज्यादा मुझे थका हुआ फील हो रहा था. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाला स्टेप बिल्कुल स्किप कर देना, वरना आपकी स्किन के लिए ये अच्छा नहीं होगा. अभी मूव ऑन करते हैं अपने डार्क सर्कल की तरफ. मैंने पोटैटो की एक स्लाइस कट कर ली है और इससे मैं रब करने वाली हूँ अपने डार्क सर्कल पे. वैसे तो इसके लिए पोटैटो जूस का यूज किया जाता है, जिसको आप अच्छे से ग्राइंड करके जूस निकाल सकते हो. लेकिन मैं रहती हूँ हॉस्टल में और मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होती हैं, तो मुझे ना ऐसे ही कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ही जेंटल ऐसे ऐसे से रब कर रही हूँ. आप देख सकते हो पोटैटो से आपका जो डार्क सर्कल होता है वो रिड्यूस होता है. मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना हुआ है, रेगुलर बेसिस पे अगर पोटैटो जूस का यूज़ आप डार्क सर्कल पे करते हो तो डार्क सर्कल ईजिली रिड्यूस हो जाते हैं. अब इसी पोटैटो स्लाइस का मैंने अपने लिप पे भी यूज़ किया है, क्योंकि मेरे लिप पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है. आप ईजिली कैमरे में देख सकते हो मेरा लिप, मेरा डार्क सर्कल इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. तो इस पे मुझे रेगुलर बेसिस पे वर्क करना है. अभी मैं बनाने वाली हूँ एक मास्क जिसमें बस दो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, हनी एंड टर्मरिक. इसको मैं लगाऊंगी अपने डार्क सर्कल पे. इसको यूज करने से डार्क सर्कल रिड्यूस होते हैं ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था, तो मुझे लगा आज चलो इसको करके देखते हैं और इसके रिजल्ट्स आपको मैं बताऊंगी कुछ टाइम तक जब मैं इसको यूज करूंगी. इसको मैंने ऐसा पढ़ा है कि आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार यूज कर सकते हो और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर सकते हो. अब फेस के लिए मुझे अलग सा मास्क लगाना था, क्योंकि ये सिर्फ डार्क सर्कल पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ. आप चाहो तो इसको फुल फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने बस अपने डार्क सर्कल पे ही अप्लाई किया है. और फेस के लिए मुझे कुछ और यूज करना था तो मैं वो यूज करने वाली हूँ. मैं ज्यादातर अपनी स्किन केयर अपने हॉस्टल में ही रह के और रूम के अंदर ही कर लेती हूँ, पार्लर में जाना बहुत ज्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ. तो यहाँ पे फेस के लिए मैंने इसी बाउल में डाल दिया है उपटन पाउडर जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था. तो यहाँ पे इसमें मैंने इजिली पानी डाला, इसको मिक्स किया और अपने फेस पे अप्लाई कर दिया. इसको यूज करने के बाद मेरी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और मुझे काफी अच्छा लगता है. बहुत सारे लोगों के अंदर एक मिथ होता है जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कि ज्यादा स्किन केयर करने से हम गोरे हो जाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. हमारी जो स्किन है जो गॉड ने बनाई हुई है, उसको संभालना, उसकी केयर करना, उसको टाइम टू टाइम हाइड्रेट रखना, उस पर वर्क करना हमारा एक काम है, हमारी एक जिम्मेदारी है. इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम कुछ भी लगा के गोरे हो जाएंगे. हमारा जो स्किन कलर है वो वैसा ही होगा, बस जरूरी ये होता है कि हमारे स्किन पे टैनिंग ना हो. मतलब जिस कलर में हमारी स्किन है वो एकदम उसी कलर में हो, उस पर एक्स्ट्रा डार्क सर्कल, उस पर एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन या फिर एक्ने ना हो. ये तभी हो सकता है जब आप अच्छी डाइट लो और अच्छा स्किन केयर करो. स्किन केयर करने का ये जो मिथ है कि हम गोरे होंगे, ये बिल्कुल भी अपने मन से निकाल देना चाहिए. हमें भगवान ने जैसा बनाया हम बहुत ही अच्छे हैं, इस चीज़ को हमेशा अप्रिसिएट करना चाहिए. बॉडी पे भी मैंने उपटन पाउडर लगा लिया और जब तक ये सूख रहा है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई हुई है ये वाली बुक, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा होपलेस फील होता था कभी कभी, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करती थी. तो ये वाली बुक मुझे ऐसा लगता है मेरी हेल्प करने वाली है. इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे डेवलप करने में खुद को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. मैंने ऐसा बहुत जगह देखा है, अपनी पर्सनैलिटी अगर डेवलप करनी है तो बुक रीड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई मैंने इसको मंगवा लिया है. और ज़्यादा नहीं तो कुछ कुछ कंटेंट्स मैं डेली पढ़ने का ट्राई करूँगी. अगर डेली नहीं पढ़ पाती तो वीकली मैं इसको पढ़ूंगी, जब भी मैं खाली रहूँगी, जब भी मैं अपना सेल्फ केयर करूँगी, जब भी मैं अपना स्किन केयर करूँगी, तो उस बीच में जो भी खाली टाइम होता है मैं ये बुक रीड करने वाली हूँ. अभी खुद को पैम्पर करने के लिए मैंने अपनी सोशल मीडिया पर अपनी बहुत सारी फोटोज अपलोड कर दी हैं. ऐसा करने से मेरा माइंड अच्छा होता है. मैं अपने आप को पैम्पर करने के लिए फोटोज क्लिक करती हूँ और उसको
अपलोड करती हूँ क्योंकि ऐसा करके मुझे खुशी मिलती है, ऐसा करके मुझे अच्छा लगता है। स्किन केयर करने से मुझे खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि मैंने खुद को टाइम दिया है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। अभी मैं अपना नेल पेंट रिमूव करने वाली हूँ क्योंकि मेरे नेल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं इस टाइम पे, तो उसको क्लीन करूँगी। आधे नेल पे नेल पेंट लगी हुई और आधे पे छूटी हुई होती है, तो मैंने पहले भी आपको बताया है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं फील होता है, इसलिए जब भी आधी नेल पेंट हट जाती है तो मैं पूरी हटा देती हूँ। अपने आप को पैम्पर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों। पैम्पर करने का मतलब ये है कि आप अच्छी चीज़ें करके अपने आप को खुशी पहुंचा रहे हो और अपने आप में एक अच्छा डेवलपमेंट ला रहे हो, अपने आप में एक अच्छी चेंजिंग लेके आ रहे हो। मैंने नेल पेंट रिमूव करने के बाद शावर ले लिया है, कैटल में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें फेस वॉश डालूंगी हिमालय का और ये वाला बॉडी लोशन डालूंगी ताकि मेरे पैर को हाइड्रेशन मिले। मेरे पैर के नेल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं और मैं ये हल्का सा ऐसे करके ना अपना पेडिक्योर कर लेती हूँ ताकि मेरे पैरों की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाए। कभी कभी पैरों में काफ़ी दर्द होता है, नेल्स में पेन होता है, तो ये वाला प्रोसेस मैं जब करती हूँ ना तो मेरा इससे पैर तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ मेरा माइंड भी रिलैक्स होता है और मैं ज़्यादा कंसनट्रेट फील करती हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से अपना और काम कर पाती हूँ ये प्रोसेस करने के बाद। कहने के लिए तो सिर्फ ये मैं अपने पैरों में कर रही हूँ, लेकिन ये करने के बाद मेरी पूरी बॉडी में इसका इफेक्ट दिखता है। मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ और मैं ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ। आप चाहे स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, टाइम टू टाइम खुद को पैम्पर कर लिया करो, वरना आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होगा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा वीक फील करोगे, इसलिए ज़रूरी ये है कि आप वो काम करो जो करके आपको अंदर से खुशी मिलती है। 10 से 15 मिनट जब तक ये पानी एकदम ठंडा ना हो जाए मैंने पानी में ही पैरों को रखा और पैर रखे ही रखे मैं अपना स्किन केयर भी कंप्लीट कर देने वाली हूँ, जिसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ डॉट एंड की का टोनर, जो कि मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, अभी थोड़ा सा ख़त्म भी हो चुका है। बाद में मैं इसका पूरा फुल रिव्यू भी देने वाली हूँ आप सभी को कि ये प्रोडक्ट मुझे कैसा लगा, आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी और ये प्रोसेस कंप्लीट करते करते स्किन केयर करते करते टाइम हो गया है अपने पैरों को पानी से बाहर निकाल के ब्रश करने का, क्योंकि जो भी डेड स्किन है वो बहुत ही अच्छे से निकल जाएगी इतना देर तक गर्म पानी में पैर रखने से। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रश ले लिया है जिससे मैं अपना पैर साफ करने वाली हूँ। और आप जो ब्रश मुंह में यूज़ करते हो ना उससे बिल्कुल भी मत करना, आप जो वेस्ट ब्रश हो उससे ही ये चीज़ करना। अभी वेदर भी काफ़ी सही हो रहा था, थोड़ी देर रेस्ट किया उसके बाद मैं उठ गई हूँ और मैं लगाने वाली हूँ नेल पेंट, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने दिखाया था मैंने अपनी नेल पेंट रिमूव कर दिया था। यहाँ पे नेल पेंट मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे नेल पेंट लगाना अच्छा लगता है, तो पैम्पर रूटीन है इसमें वही काम करेंगे जो खुद को अच्छा लगता है। बहुत ही लाइट कलर, एकदम लाइट बेबी पिंक कलर की नेल पेंट मैंने लगाई जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, आप देख सकते हो। और कोइंसिडेंस ये है कि मैंने लाइट पिंक ही कपड़ा भी पहना हुआ था। यहाँ पे मेरे दोस्त ने मुझे ला के दिया था दाल की पकौड़ियाँ, वो मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। मैं चाहती थी कि इस पैम्पर सेशन में मैं अपना हेयर केयर भी इंक्लूड करूँ, लेकिन कुछ दिन पहले ही मैंने अपना हेयर केयर किया था तो मुझे लगा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे वर्क करना था और खुद को टाइम देना था। 1 घंटे के बाद जब नेल पेंट अच्छे से सूख गई और मैंने थोड़ा और रेस्ट कर लिया तो मैंने खुद का बेस्ट वर्जन देखना चाहा, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, अच्छा सा ड्रेस पहना और थोड़ा थोड़ा डांस भी कर लिया। ये चीज़ मैं किसी और को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को खुश करने के लिए और अपना बेस्ट वर्जन देखने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा करने से मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को मैं प्यार कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में मैंने अपना कपड़ा चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने दूसरा कपड़ा पहन लिया और बाहर जाने वाली हूँ चाय पीने। अलग अलग हेयर स्टाइल बना के खुद को मैं देख रही थी और बाहर जाके मैंने चाय पिया, इसके साथ में मैंने कुछ स्नैक्स भी खाए और फिर से वापस मैं हॉस्टल आ गई। धुल के कुछ कपड़े डाले हुए थे वो मैंने उठाया और उसको भी ला के अपने रूम के अंदर रख दिया। तो कुछ ऐसा ही था मेरा आज का दिन। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी और अच्छे से सो जाऊंगी अपना डिनर करने के बाद। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टाइम टू टाइम आप भी खुद को पैम्पर करते रहना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय।